नमस्कार, सत श्री अकाल सभी मित्रों को, सभी टीम मेंबर्स को और सभी सीनियर्स को। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फास्टनेस एंड रसिया ट्रेनिंग के ऊपर। तो आप सभी का स्वागत है पार्ट 7 में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है बॉडी पार्ट्स नेम ऑफ हेक्स स्क्रूज एंड बोल्ट। जैसे हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनका अलग अलग नाम, आईज हो गया, नोज, हेयर, तो ऐसे ही जो बोल्ट्स में जो फास्टनर्स होते हैं उनके भी बॉडी पार्ट्स नेम अलग अलग होते हैं। तो चलिए आइए हम आगे चल के उनके बॉडी पार्ट्स, हेक्स स्क्रूज बोल्ट्स के बॉडी पार्ट्स का नेम हम जानते हैं। स्टैंडर्ड बॉडी पार्ट्स नेम ऑफ हेक्स स्क्रूज एंड बोल्ट। तो दोस्तों, ये है अपना हेक्स स्क्रूज। इसमें आपको पता नहीं चल रहा होगा कि कौन से बॉडी पार्ट को हम क्या बोलते हैं। तो इसके लिए बताने के लिए साहब चाचा चौधरी ने साबू से भी पूछा था कि साबू बता भाई, हेक्स स्क्रू के शरीर के अंगों के नाम बताओ। साबू का कोई जवाब नहीं आया। तो साबू ने बोला, चाचा जी ना ही पता है और ना ही याद है। तो चाचा चौधरी जी बोले, चल फिर फास्ट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग चैनल से जुड़े और जानकारी प्राप्त करें। तो आगे चलते हैं अभी हम चाचा चौधरी से जानकारी देने और सभी को जानकारी के लिए। बॉडी पार्ट्स नेम ऑफ हेक्स स्क्रूज, ये हमारा हेक्स स्क्रूज है। इस पार्ट को हम बोलते हैं अक्रॉस फ्लैट, जिसमें हम कोई स्पैनर या रिंग स्पैनर यूज करते हैं। अक्रॉस फ्लैट का ही हिस्सा होता है अक्रॉस कॉर्नर, ये होता है 8.8 जो है, ये है ग्रेड, मटेरियल का ग्रेड कौन सा होता है, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन मटेरियल ग्रेड। नेक्स्ट है हेड थिकनेस। हेड थिकनेस का हिस्सा ऊपर वाला जो हेड होता है उसको हेड थिकनेस बोलते हैं, मोटाई। नेक्स्ट है हमारा चैम्फर एंगल। आपने देखा होगा हेक्स स्क्रूज या बोल्ट्स कुछ भी होता है उनके ऊपर चैम्फर लगा होता है, वो चैम्फर जो होता है स्टैंडर्ड होता है 15 डिग्री से 30 डिग्री। नेक्स्ट है वाशर फेस डेप्थ, जो नीचे का जो वाशर फेस है उसकी डीप कितनी है, मतलब डेप्थ कितना है वो। नेक्स्ट है थ्रेड लेंथ, टोटल हेक्स हेड से नीचे जो बॉटम की टोटल लेंथ है वो कितनी है, इसको बोलते हैं अनथ्रेड लेंथ, मतलब रन आउट, थ्रेड रन आउट। अनथ्रेड लेंथ का मतलब है इतनी जगह छोड़ के हमने नीचे इसके चूड़ी को काटना है। हेड जंक्शन रेडियस, हेड जंक्शन रेडियस जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है फास्टनर्स के ऊपर, क्योंकि टॉर्क लगाते समय जब भी हमें प्रॉब्लम आती है तो अगर हेड टूट जाता है तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है हमें मार्केट में और अपने इंटरनल पार्ट्स के ऊपर भी फास्टनर्स के। नेक्स्ट है वाशर फेस डाया, वाशर फेस का डाया कितना है उसको बोलते हैं वाशर फेस का डाया हिस्से को। यह है हमारा थ्रेड रोलिंग डाया, थ्रेड रोल जिसके ऊपर चूड़ी कटी होती है उसको हम थ्रेड रोलिंग डाया बोलते हैं। ऐसे ही हमारा बॉडी पार्ट नेम होगा हेक्स बोल्ट। हेक्स बोल्ट हेक्स स्क्रू लगभग सेम है, सिर्फ जो अंतर है वो मैं आपको बताऊंगा। इस हिस्से को हम बोलते हैं बॉडी डाया या शैंक डाया भी बोल सकते हैं, जिसके ऊपर चूड़ी नहीं काटी जाती। यह है हमारा बॉडी लेंथ एंड शैंक लेंथ इसको बोलते हैं। अब इसके अनथ्रेड लेंथ और रनआउट कहां से है, देखिए यह है इसकी अनथ्रेडेड लेंथ। तो यह है हमारा आज का टॉपिक, हेक्स स्क्रू एंड हेक्स बोल्ट्स के बॉडी पार्ट्स के नेम। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप आसानी से हेक्स स्क्रू बॉडी पार्ट्स के नेम और बोल्ट्स के बॉडी पार्ट नेम समझ गए होंगे। और अगर आपके मन में हेक्स स्क्रू के बॉडी पार्ट्स नेम को लेकर या बोल्ट्स के बॉडी पार्ट्स को नेम को लेकर कोई भी मन में परेशानी या शंका है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपकी जरूर सहायता करेंगे, हम अवेलेबल हैं आपकी सेवा के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर या जरूर कीजिए और हमारी जर्नी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू। ऐसे नए नए टॉपिक अच्छे आएंगे और आप मोटिवेट करें ताकि इससे अच्छे बढ़िया नॉर्मल टॉपिक लेकर आएँ। नमस्कार जी।